हिमाचल में एक बार फिर से वार पलटवार की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले बोले। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल कांग्रेस को अपना कुनबा संभालने की नसीहत दी है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और सीएम के बीच का विवाद खूब सुर्खियों में रहा, जिसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली थी। इस बीच हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की हालिया बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की गुटबाजी को सतह पर लाने की कोशिश की, जो पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को नागवार गुजरा। उन्होंने हिमाचल कांग्रेस को मशवरा दिया है कि पहले अपना घर संभालें, फिर दूसरों की बात करें। पूर्व सीएम का कहना है कि बीजेपी सरकार की विफलताओं को उजागर कर रही है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। ये कांग्रेस को जो लगता है गुटबंदी नजर आ रही है, इसमें उनका अपने घर का क्या हाल है? अपने घर की संभालो, तू अपने घर की सुध ले, बाकियों की सुध छोड़। कांग्रेस का जो आज हाल है वो सारी दुनिया जानती है, क्योंकि वो कुछ भी करने में असफल रहे हैं। उनकी विफलताओं का जिक्र आया है, इनको हमने सत्ता से बाहर करने से, इनको प्रस्ताव तो बुरे लगेंगे ही। उधर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है और कांग्रेस सभी चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। पक्ष विपक्ष का प्रहार तो रहता ही है, लेकिन हमने अपनी बात कहनी है, विपक्ष अपनी बात कहता है। और अभी जो आरोप लगाने की बात है वो अभी दोष साबित नहीं हुए हैं, कोई चार्जशीट नहीं हुई है, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, और 3 साल से इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। ऊना में संपन्न हुई हिमाचल बीजेपी की कार्य समिति में कद्दावर नेता शांता कुमार शामिल नहीं हुए थे। ऊना से रविंदर सिंह के साथ अजय महाजन, जी मीडिया।